Subscribe and press the bell icon for latest update. विशेष सीबीआई जज बीएच लोया की नागपुर के एक अस्पताल में करीब 3 साल पहले हुई पोस्टमार्टम जांच की रिपोर्ट के हवाले से एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि लोया की मृत्यु खून की धमनी की कार्य क्षमता कम होने की वजह से हुई थी। नाम ही जाहिर करने की शर्त पर अधिकारी ने कहा कि सदर थाने में सीआरपीसी की धारा 174 के तहत दर्ज मौत के मामले में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के फॉरेंसिक विभाग से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद जांच समाप्त हो गई थी। अधिकारी ने कहा जज लोया की हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। उन्होंने कहा हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर में कोई विषैला तत्व नहीं मिला और डॉक्टरों ने मौत के कारण के रूप में कोरोनरी आर्टरी की काम न करने की पुष्टि की, जिसके बाद जांच अधिकारी ने जांच को बंद करा दिया। उनके मुताबिक नागपुर दौरे में जज लोया के साथ रहे जजों ने उनके औरंगाबाद निवासी रिश्तेदार रुक्मेश पन्नालाल जाकोटिया को सूचित किया था कि लोया को 1 दिसंबर 2014 को दिल का दौरा पड़ा था। उन्होंने कहा जाकोटिया ने नागपुर के रविनगर निवासी डॉक्टर प्रशांत राठी को अस्पताल जाने को कहा, जिसके बाद डॉक्टर राठी सुबह करीब 6 बजे मेडिट्रीना अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर राठी ने जज लोया की पार्थिव शरीर लिया। पुलिस ने जांच के दौरान डॉक्टर राठी और डॉक्टरों के बयान दर्ज किए थे। SPN 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।